हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सीजन 4 में रिवॉर्ड्स जो है फ्री में अनलॉक कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेने से पहले क्यों ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर सके। तो दोस्तों, सीजन 4 चालू हो गया है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा जाके देख लो। आरपी का सेक्शन अभी अनलॉक हुआ है और उसमें काफी ज्यादा रिवॉर्ड्स आए हैं, बट उसके लिए आपको उसका रॉयल पास, एलीट रॉयल पास जो है वो खरीदना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसके रिवॉर्ड्स जो है अनलॉक कर सकते हैं। तो जैसा आपने देख ही लिया होगा, जिन लोगों ने खेला है उनको पता होगा कि फ्री वाला इतना बेकार है, उसमें कुछ खास रिवॉर्ड आए नहीं है इस बार। बट जो एलीट रॉयल पास है उसमें काफी ज्यादा कुछ आए हैं, वो सारे रिवॉर्ड्स वही लोग अनलॉक कर सकते हैं जिन्होंने वो एलीट रॉयल पास को अपग्रेड किया होगा। बट उसके अलावा भी कुछ नई चीजें इसमें ऐड हुई हैं जिसमें हम फ्री के रिवॉर्ड्स अनलॉक कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि रोस्टेड चिकन इवेंट ऐड हुआ है, तो इस रोस्टेड चिकन इवेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने कुछ रिवॉर्ड्स हैं और ये रिवॉर्ड्स आप फ्री में अनलॉक कर सकते हैं। और इसको अनलॉक करने के लिए आपको सिंपल करना क्या होगा, आपको सिंपल इवेंट्स में जाना होगा। इवेंट्स में जाने के आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ सर्वाइव फॉर टोटल 50 मिनट, उसके बाद आपको यहाँ पे दो रोस्टेड चिकन आपको मिलेंगे। और उसके बाद इसी तरीके से लॉगिन अवार्ड्स हैं यहाँ पे, और चिकन डिनर फेस्ट जो चल रहा है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ से पैराशूट की स्किन आपकी अनलॉक हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, न्यू सीजन टायर रिवॉर्ड्स हैं यहाँ पे। तो आपको सिंपल ये जो रोस्टेड चिकन है आपको ये ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे करने हैं, और ये जितने ज्यादा आप इकट्ठे करोगे उसके हिसाब से आप यहाँ पे रोस्टेड चिकन इवेंट में ये रिवॉर्ड्स अनलॉक कर पाओगे। लाइक पहले वाला क्रिएट कूपन लेने के लिए आपको 50 रोस्टेड चिकन चाहिए और उसके बाद आप इसको रिडीम कर पाओगे। उसी तरीके पैंट के लिए 100 चाहिए, उसके बाद शर्ट के लिए 150, और उसके बाद जो चिकन हेलमेट है वो आपको 400 चाहिए। तो आपको ज्यादा से ज्यादा रोस्टेड चिकन इकट्ठे करने हैं, और जो टास्क आपको इवेंट के अंदर मिले हैं वो सारे टास्क आप पूरे करोगे तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया रोस्टेड चिकन मिलता रहेगा। और इस रोस्टेड चिकन को आप सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में ही निकाल सकते हो, आपको रोज डेली मैचेस खेलने होंगे। हमेशा हर दिन दो मैचेस से ज्यादा खेलोगे तो आपको कुछ नए रिवॉर्ड्स और नए क्रेट खोलने को मिलेंगे। जो डेली इवेंट्स है आपको सारे इवेंट्स परफॉर्म करने, आप ज्यादा से ज्यादा रोस्टेड चिकन इकट्ठे कर सकते हो। रोस्टेड चिकन इवेंट इस मंथ की आखिरी तक चलने वाला है, तो मेक श्योर कि आप इस महीने से पहले पहले ये सारे रिवॉर्ड्स अनलॉक कर लो। और रोस्टेड चिकन के अमाउंट है वो ज्यादा है थोड़े, वो सारे इकट्ठे करने में आपको टाइम जरूर लगेगा, बट फ्री में आप अनलॉक कर पाओगे, आपको यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना, सिंपल सा इवेंट है ये। तो फटाफट मैं इस इवेंट के आपको यहाँ पे रूल्स बता देता हूँ। तो सबसे पहला रूल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द इवेंट पीरियड फिनिश क्लासिक मैच इन टॉप 10। तो आपको सिंपल हर दिन दो या दो से ऊपर मैचेस खेलने हैं और आपको टॉप 10 में कंप्लीट करना है, तब आपको एक रोस्टेड चिकन का क्रेट मिलेगा। आपको रोस्टेड चिकन का क्रेट मैं दिखा देता हूँ, तो ये रोस्टेड चिकन का क्रेट है, आप ये हर दिन खोल पाओगे और आपको दो मैच खेलने दिन में, और दोनों मैच में आपको टॉप 10 के अंदर आना है। तो ये इसका रूल है, तो ये आप फॉलो करोगे तो आपको लकी चिकन क्रेट मिलेगा, और उस लकी चिकन क्रेट से आप दूसरे रिवॉर्ड्स भी अनलॉक कर पाओगे, और उस लकी चिकन क्रेट को आप खरीद भी सकते हो शॉप के अंदर। और उसके बाद जितने भी रोस्टेड चिकन आपने इकट्ठे किए होंगे, और अगर वो इवेंट खत्म हो जाता तो आपके वो बीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे अपने आप ही, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप चाहे तो उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। और जब तक ये इवेंट चलेगा तब तक आप वो इकट्ठा करके आप ये रिवॉर्ड्स भी अनलॉक कर सकते हो। तो ये इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं, और आपको ज्यादा से ज्यादा बस रोस्टेड चिकन इकट्ठे करने, जितने ज्यादा रोस्टेड चिकन इकट्ठे करोगे उतने लेवल तक का आप ये रिवॉर्ड यहाँ पे अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पे कूपन है, पैंट है, शर्ट है, और ये चिकन हेलमेट है। चिकन हेलमेट आई थिंक बहुत कूल लग रहा है मेरे को, आप लोग मुझे जरूर कमेंट में बताना कि आपको कैसा लग रहा है और आप इनमें से कौन सा रिवॉर्ड अनलॉक करने वाले हो। और जो यहाँ पे कूपन क्रिएट है उससे हम बाकी रिवॉर्ड अनलॉक कर सकते हो जो हमने देख रखा है। बस हमको यहाँ पे रोस्टेड चिकन इकट्ठे करने और उसके बाद ये सारे रिवॉर्ड्स को रिडीम करना है। और जो लोग जानना चाहते हैं कि ये क्रोबार मेरे को कैसे मिला, तो वो सिंपल है, आपको इवेंट्स में जाना है। इवेंट्स में जाने के बाद आपको न्यू सीजन टायर रिवॉर्ड्स में जाना है, और यहाँ पे आप देखेंगे रीच गोल्ड, और यहाँ पे मैंने कलेक्ट कर लिया है, तो ये आपका यहाँ पे गोल्डन स्पेक्टर है, और ये क्रोबार मैंने यहाँ से अनलॉक किया है। तो यहाँ से आप भी कर सकते हो, बस आपका नया सीजन रैंकिंग है वो आपका गोल्ड में होना चाहिए। मेरा यहाँ पे प्लैटिनम है, तो अगर आपका गोल्ड का रहेगा तो आप आराम से ये क्रोबार अनलॉक कर पाओगे, गोल्डन क्रोबार। तो दोस्तों दैट्स इट, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह की गेमिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।